सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली एक अच्छी खबर सांबा के लोगों को मिलती जरूर नजर आ रही है। जिस तरह से हमने कुछ देर पहले आपको लाइव अपडेट दिया था कि सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर सदन पटल पर यह बात रखी है, लोकसभा में उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री के आगे, यूनियन रेलवे मिनिस्टर के आगे ये बात रखी है कि सांबा रेलवे स्टेशन पर जल्द ट्रेनों के स्टॉपेजेस को बहाल किया जाए, क्योंकि सांबा के लोग लगातार पिछले कुछ सालों से सफर करते नजर आ रहे हैं। हर वर्ग के व्यक्ति सफर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने अक्सर देखा कि जो ट्रेन का सफर करने वाले लोग हैं, जो बाहरी राज्यों में जाने वाले लोग हैं सांबा से, वो ट्रेन में बोर्ड करने के लिए या तो जम्मू या कठुआ या फिर पठानकोट जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई चारा है नहीं, क्योंकि सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है। और अगर उन्होंने उतरना है तो इसी तरह से वो जम्मू कठुआ या फिर पठानकोट उतरेंगे, बस का सहारा लेंगे, समय जो है वो खराब होगा, सामान होता है लोगों के साथ में, और कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी सफ़र कर रही है, इसी के साथ साथ रेलवे के साथ जुड़े जो रोजगार के साधन है वो भी कहीं ना कहीं ठप होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सांबा रेलवे स्टेशन पर दुकानदार हैं वो सफ़र कर रहे हैं, ऑटो चालक सफ़र कर रहे हैं, मिनी बसेस वाले सफ़र कर रहे हैं, हर वर्ग का व्यक्ति सफ़र कर रहा है, लेकिन सदन पटल पर संसद में सांसद युगल किशोर शर्मा जो तीसरी बार जीत कर आए, तीसरी बार वो लोकसभा पहुंचे, और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने जो उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि वो बात रेलवे अथॉरिटीज तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फाइनली एक क्लिप जो है वो लगातार कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो आप सभी ने उनकी बात को सुना ही होगा, लेकिन तमाम सांबा के लोगों से रिएक्शन लेंगे, बिजनेस कम्युनिटी के भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, और जो सोशली लोगों से जुड़ते हैं लोग, उनसे भी आज रिएक्शन लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत सरपंच साहब आपसे करेंगे, क्या कहेंगे, एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है कि सांसद युगल किशोर शर्मा जो लगातार हम सुन तो रहे थे कि वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं रेलवे अथॉरिटी में, लेकिन फाइनली संसद में जब ये बात सामने आई है, उन्होंने जो बात सदन पटल पर रखी है रेलवे मिनिस्ट्री के आगे, यूनियन रेलवे मिनिस्टर के आगे, तो एक उम्मीद की किरण सांबा के लोगों को बंधी है, क्या कुछ कहेंगे इस स्टेप को लेकर जो सांसद जी ने उठाया है? देखिए जी, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एमपी साहब ने सांसद में जब उन्होंने अपना भाषण जो दिया और उसमें उन्होंने हमारे सांबा की जो मेन प्रायोरिटी थी इस वक्त की, सबसे बड़ी इशू जो हमारा बना हुआ था रेलवे को लेकर, उसकी बात जब उन्होंने रखी, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, हम उनका धन्यवाद भी करेंगे और सांबा के लोगों को भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी बात जो है आज आगे जाकर रेलवे मिनिस्ट्री के पास पहुँची है। इसी के साथ में अगर काफ़ी देर हो गया हमारे लोगों को इसके लिए जद्दोजहद करते हुए, हर एक प्लेटफॉर्म पे जद्दोजहद किया जा रहा था, मैं एक बात इसके साथ जोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम चलाए, जिसमें बड़े बड़े सेंटर मिनिस्टर जो हैं हमारे यहाँ पे डोर स्टेप के ऊपर आए, और बड़ी खुशी हुई थी तब हमें जब हमने ये बात सुनी थी, सराहनीय कदम था। उस हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जो सेंटर मिनिस्टर्स चाहे सांबा में पहुंचे, चाहे कठुआ में पहुंचे, चाहे बड़ी ब्राह्मणा में आए, हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारी अपनी बात जो थी उनके आगे रखी कि हमारी ट्रेन के स्टॉपेज जो 2019 के बाद कोविड के बाद बंद हुए थे उनको चला दिया जाए, लेकिन वो नहीं चले। इसके अलावा बैक टू विलेज प्रोग्राम, ब्लॉक दिवस जो मनाए गए, हमारे जितने भी ऑफिसर थे उनके आगे रखे, वो नहीं चल पाए। पिछले दिनों आपने देखा आलोक कुमार जी ने दो दरबार सांबा में लाए, दोनों में उनके साथ बात हुई, लेकिन इस बार जब हमने ये बात उनके आगे रखी तो उन्होंने बड़ी बारीकी से इस बात को लिया और डीसी साहब से भी इसके बारे में डिस्कस किया कि आखिर कौन सा ऐसा इश्यू है जो साल नहीं हो रहा, ये तो पहले भी पिछली बार उठाया गया। अगर युगल किशोर जी इसके साथ ही हमारे नानके चक वाला इशू भी जोड़ लेते, वो भी एक प्रायोरिटी पे उन्होंने रखा हुआ, वो प्रायोरिटी पे नहीं, वो लोगों की जान माल के साथ एक नुकसान जो है हमारे सांबा में हो रहा है, पिछले दिनों आपने देखा एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट, मैं उसको याद करके भी मेरी रूह कांप जाती है। उम्मीद की किरण तो बंदी है, अभी लग रहा है कि अगर एमपी साहब के कहने के बाद भी ट्रेन नहीं चलेगी तो मुझे लग रहा है कि कोशिश ये है कि सांबा का रेलवे स्टेशन बंद कर दिया जाए, जम्मू या कठुआ में जाकर ही लोग यहाँ से ट्रेन ले। अगर इसके बाद नहीं हुआ, हमें तो पूरा भरोसा है कि अगर एमपी साहब ने इतने जोरों शोरों से यह आवाज रखी है तो ये जरूर हमारी ट्रेन जो है वो चलेगी, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एक रामबाण साबित होकर दोबारा से जिंदगी पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश, मुझे लगता है कि वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन शायद अब वो सही वक्त आ गया जब वो तीसरी बार जीत कर आए और उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी पर सांबा रेलवे स्टेशन की बात रखी। देखिए ऋषि, शूरवीरों की धरती सांबा कहा जाता है, सारे सबसे ज्यादा आर्मी में हमारे लोग हैं, उनको कितनी दिक्कत आती है, हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको कितनी दिक्कत आती है, 5-6 लाख की
आबादी हमारा ये जो स्टेशन है ये कवर कर रहा है। हमारे व्यापारियों का सारा सामान यहाँ पे आता था, अब उन्हें जम्मू में जाना पड़ता है, कठुआ में जाना पड़ता है। इसके अलावा जो बच्चे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्कीम्स में जो अपनी कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग लगा ली या कोई और भी कोर्सेज जो है, उसके लिए बाहर जाते थे, जम्मू कठुआ जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ जो है हमारे लोगों को, और जो गवर्नमेंट इंप्लाई जो हमारे यहाँ से ट्रेन का चीप एंड बहुत ही सस्ता जो एक 250-300 रुपए का पास बनाकर जम्मू में जाते थे, अब पर डे के हिसाब से उनको 100-150 रुपया देकर बस में जाना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी एक मुश्किलात जो हमारे आम जनमानस को बनी हुई है, अगर ये ट्रेन चल पड़ती है तो वो हल होगी। बिल्कुल सुनील जी, आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या कहेंगे एक राहत जो वो जरूर आने वाले दिनों में जल्द मिल सकती है, जिस तरह से सांसद जी ने एक बड़े पॉजिटिव वे में संसद में ये बात रखी है रेलवे मिनिस्ट्री के आगे, रेलवे मिनिस्टर के आगे, क्या कहेंगे कितना फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है दोबारा से सांबा के लोगों को? जी ऋषि जी, सब जानते हैं कि ट्रेन जो है सस्ता और सरल साधन है यातायात का। तो व्यापारियों की बात करूंगा, व्यापारियों से ही जुड़ा हुआ हूं तो उनकी ही बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं 2019 एंडिंग में जो हमारी स्टॉपेज यहां रेलवे स्टेशन में बंद हुई थी सभी ट्रेन की, एक ट्रेन को छोड़कर, तो जैसा युगल किशोर शर्मा जी जो हमारे जम्मू संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने संसद पटल पर हमारे प्रतिनिधियों द्वारा जो डिमांड उठाई गई थी कि स्टॉपेज यहाँ होना चाहिए, उन्होंने ये बात संसद पटल पर रखी है। तो उम्मीद जागी है कि दोबारा से हमारे जो ऑटो चालक हैं, ऑटो वाले हैं, मेटाडोर वाले हैं, दुकानदार हैं, ये जो हमारा 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसके कारण बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट जो बंद हो चुकी हैं दोबारा वहाँ पे खुशहाली आने वाली है, ये हम उम्मीद करते हैं। और हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि जो लंबित हमारी एकाधिक डिमांड है उसको भी हमारे सांसद जी द्वारा, जैसा कि सरपंच जी ने कहा कि नानके चक वाली डिमांड जो है बहुत ही ज्वलनशील है, क्योंकि यहाँ वो जो है लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारी उनसे प्रार्थना है, डिमांड है कि ये जो हमारी डिमांड है इसको भी संसद पटल पर रखा जाए। बिल्कुल सतीश जी, क्या कहेंगे एक सराहनीय कदम जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सांसद जी ने ये बात सदन पटल पर जाकर रखी है, उम्मीद है कि जल्द सांबा का रेलवे स्टेशन जो है वो दोबारा से फंक्शनल होगा। देखो ये तो बहुत खुशी की बात है कि सांसद जी ने संसद के भवन के अंदर सब बोला, और जो ट्रेन जहाँ पर 10 ट्रेन के करीब ट्रेन रुकती थी पहले, अब ट्रेन सिर्फ मात्र 2 रुकती है, एक हेमकुंड और दूसरी डीएमयू। जहाँ पर सांबा के अंदर मैं 1 लाख से ज़्यादा वोटर है, जहाँ पर सराउंडिंग में 35-240 गांव जो है वो साथ में लगते हैं, सांबा सिटी और मंडियात के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और जहाँ पर मैंने देखा कि संबयाल बरादरी के लोग, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पैंची सरपंची ने लवली जी के साथ सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और लोकनाथ जी आए थे, हम सब लोग बोले, और डीसी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया। लेकिन बात यह है कि अगर ट्रेन हमारी सांबा इतना पुराना 1972 से ट्रेन जो है 2 अक्टूबर से चल रही है यहाँ पर, और आई 53 ईयर्स यहाँ पर हो गए हैं, और इतना पुराना स्टेशन, अगर कोई सांबा से कोई बंदा जाता है कोई बाहर जाने के लिए, वो जम्मू से या कठुआ से ट्रेन उसको पकड़ना पड़ती है, सांबा में क्यों नहीं, 1-4 किलोमीटर पैदल तब भी चलो चलता है, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन ट्रेन रुक गई कोरोना काल के दौरान, कोरोना काल के बाद एमपी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, क्योंकि लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड के ऊपर उतरे, देर आए दुरुस्त आए। हम कहते हैं कि ट्रेन चलने से हमारा व्यापारी खुश होगा, ट्रेन चलने से हमारा एम्प्लॉई खुश होगा, हर वर्ग के लोग जो है वो खुश होंगे कि एक सस्ता जो साधन जो है वो ट्रेन के अंदर है, ये अच्छी बात है। और ट्रेन जो है जहाँ पर रुकनी चाहिए, और जो जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा नानकी चक का, वहाँ पर कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा ख्याल है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, हमारे सांसद साहब को भी पता है कि जुगल जी को कि कितनी कैजुअलिटी हो रही है, उसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। आज जो पुल जो उसका बना हुआ है उसके बीच नहीं उसको रख रहे हैं, क्योंकि डबल लेन हमारी बन जाए वहां से, तो कैजुअलिटी जो है वो हमारी काम होगी, हमारे लोग जो है वो सेफ रहेंगे। लकी, क्या कहेंगे इन शॉर्ट में जिस तरह से ये एक कदम आगे जो वो लिया गया है? ऋषि जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, जैसे कि हमारे सांबा के लोग पिछले 5-6 सालों से काफ़ी यहाँ पे सफ़र कर रहे थे, जैसे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ से पास वगैरह बना के जम्मू की तरफ रवाना होते थे या जॉब के लिए कठुआ में होते थे, हमारे काफ़ी स्टूडेंट थे जो पास लेके जम्मू में जाते थे, जहाँ हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, जैसे हरिद्वार में लोग जाते हैं नहाने के लिए, तो महीने महीने में यहाँ से लोग जाते रहते हैं, लाखों की आबादी है सांबा की। तो पिछले काफ़ी लंबे समय से आप देखिए कि
लोग जहाँ तो कठुआ से ट्रेन ले रहे थे जहाँ तो जम्मू से ले रहे थे। अब आप खुद बताइए ऋषि जी, जैसे यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे कॉलेज में है, कोई चंडीगढ़ में, कोई दिल्ली में है, तो रात को अगर ट्रेन कठुआ में 11 बजे रुकेगी, तो वहाँ से अगर किसी बंदे के पास गाड़ी होगी तो वो अपनी गाड़ी करके जाएगा, 1500-2000 का तेल लगेगा। अगर किसी के पास खुद की गाड़ी नहीं है तो वो वहाँ से टैक्सी लेके 4000-4500 की सांबा तक पहुँचेगा, तो काफ़ी ज़्यादा एक नुकसान था। लेकिन जैसे कि हमने भी इंटरव्यू सुना जुगल किशोर शर्मा जी का, बहुत ही एक बड़ा स्टेप है और ये होना भी चाहिए था। हमारा मानना ये है कि जो सांबा के अंदर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 4 साल से वो रेलवे स्टेशन बंद पड़ा हुआ था। जहाँ पे पिछले 53 ईयर से रेलवे स्टेशन की हम चाहते थे कि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की ग्रोथ होती, लेकिन 4 साल से बंद पड़ा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को नुकसान है। जैसे हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो वाले हैं, जहाँ रोड पे वहाँ पे गाड़ी वाले हैं, जहाँ आप देखिए दुकानदार लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बिज़नेस का जो है नुकसान हो रहा है। जहाँ हमारे जो लोकल लोग थे वहाँ पे रोज़गार थे, जैसे पल्ले वगैरह रेलवे स्टेशन में वहाँ पे भी देते थे, चाय के लिए भी वहाँ पे जाते थे, कहीं ना कहीं जो रोज़गार है वो कम हुआ है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश है और जुगल किशोर शर्मा जी से भी ये गुजारिश है कि ये जो आपने डिमांड उठाई है प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी फुलफिल कीजिए, ताकि जो सांबा के लाखों लोगों की आस है वो आप पे बनी हुई है। बिल्कुल अजय जी, इन शॉर्ट में आखिर में क्या कहेंगे आप, यहीं पर रुकिए, माइक लीजिए, क्या कहेंगे इस बात को लेकर जो सांसद जी ने रखी है? जी जैसा ऋषि जी सभी साथियों ने बोल ही दिया है, इसमें मैं अब बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये मैं एक छोटी सी बात जोड़ना जरूर चाहूँगा कि जिसे अभी लोकसभा चुनाव अप्रैल में शुरू हुआ था, सांबा के लोगों का 1 पॉइंट प्रोग्राम था, एमपी साहब जब आए लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर कुछ हो ना हो लेकिन आप ट्रेनों का ठहराव इमीडिएटली फैक्चर करवाइए, और उन्होंने ये वायदा भी किया था जैसे ही मैं संसद में पहुँचूँगा मेरा पहला काम ट्रेनों को ठहराव का होगा, और वो वादा आज कल जो संसद में जो उन्होंने बयान दिया है वो पूरा हो गया है। अगर ये पूरा होता है जैसे लक्की सिंह जी ने कहा कि जो आर्थिक गतिविधियों पर सांबा रेलवे और सांबा इस क्षेत्र में जो एक ठहराव सा आ गया था, आर्थिक गतिविधियाँ बंद थी, ऑटो वाले या उधर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले आज बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया था, जो इस पर कोई EMI भर रहा था अपने ऑटो की, मेटल रोड की, सब बदाम लग गया था, वो अगर ये सब फुलफिल हो जाती है, ट्रेनें चलने शुरू हो जाती हैं, ये आर्थिक गतिविधियां फिर से पुनः शुरू होंगी और एक नयापन आएगा और लोगों को बहुत सहूलियात मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप यहीं रुकें। तो ये तमाम साथी जो मेरे साथ जुड़े जिन्होंने सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का धन्यवाद भी किया है और उनसे ये कहा है कि जल्द से जल्द आप ट्रेन के स्टॉपेज को बहाल किया जाए सांबा रेलवे स्टेशन पर। देखिए सभी ने ये कह दिया कि कितना फ़ायदा है, बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा है, वहाँ रेलवे स्टेशन पर रोज़गार करने वाले लोग जो दुकानदार, ऑटो चालक, मिनी बस वाले, उनको फायदा होगा जब ट्रेन से यहाँ लोग उतरेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे, तो एक तो ये लाभ है, दूसरा जो मार्केट का सिनेरियो है वो भी बदलेगा, मार्केट के हालात भी चेंज होंगे, जो कहीं ना कहीं धीमी सी नज़र आ रही है सांबा की मार्केट, तो आर्थिक स्थिति जो वो सुधरेगी, यहाँ से बाहर जाने वाले लोग यहीं से बोर्ड करेंगे, यहीं पर वो उतरेंगे, उन्हें ना तो जम्मू उतरना पड़ेगा ना कठुआ, ना ही वो जम्मू से या कठुआ से बोर्ड करेंगे, उनको यहीं पर हर सहूलियात मिलेगी जब ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। और उसी के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि हर एक हब यहाँ पर है, बिजनेस हब, तमाम बड़े बड़े जो इदारे वो यहीं पर है, तो सांबा रेलवे स्टेशन जो कि ज़िला हेडक्वार्टर का रेलवे स्टेशन है, जो कोविड के वक्त में यहाँ से ट्रेन के स्टॉपेज को बंद किया, वो स्थिति ऐसी थी कि वो बंद करना पड़ा, लेकिन शायद उसके बाद उसे सुचारू करना, दोबारा से पटरी पर लाना ये भूल गया, और अब जो है इसको लेकर जद्दोजहद जिस तरह से हर वर्ग के व्यक्ति ने की है, तो फाइनली सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने भी इस बात को, सांबा के लोगों की इस बात को प्रायोरिटी पर लिया है और संसद में ये बात रखी है। उम्मीद करेंगे जल्द सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी और लोगों को फायदा होगा, हर वर्ग के व्यक्ति को फायदा होगा। सांबा रेलवे स्टेशन जो कि लगातार एक बर्निंग इशू बना हुआ है, अब इसको लेकर ये संज्ञान सांसद जी ने लिया है, केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाई है, रेलवे मिनिस्ट्री तक, यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचाई है, तो एक उम्मीद की किरण सांबा के लोगों को बंधी है। आने वाले दिनों में हालात जरूर बदलेंगे अगर जल्द सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।